मेरा नाम मांगेराम गाड़िया लवार। तो आज जो आपकी बेटी ने इतनी पढ़ाई की है, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो घुमंतो परिवार की बच्ची है, जो झुग्गियों में रह रही है, इतनी कठिन और विकट परिस्थितियों में रह करके भी इन्होंने BSc फर्स्ट क्लास से पास की है, तो हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है और समाज के लिए एक संदेश भी है कि भी इस प्रकार के जो बच्चे सुविधाओं से वंचित हैं या शिक्षा से वंचित है, उनके लिए हमारी ये लड़की गुड़िया लाली प्रेरणा स्रोत है और हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं कि इस प्रकार के होनहार बच्चे हमारे समाज में आए और आगे बढ़े। सरकार से क्या कुछ मांगे जाए? सरकार से मांगे तो हमारी बहुत हैं, हम काफ़ी समय से सरकार से मांग कर तैयार हैं कि भी पूरी आज पिछले दिनों अगस्त में 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, सरकारों ने अपने अपने वादे गिनाए, हमने ये किया वो किया, लेकिन गाड़िया लोअर समाज के लिए आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ पहले थी, आज़ादी से पहले थी, और उससे भी आज विकट परिस्थितियों में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं, उनके पास रोजगार के साधन नहीं हैं। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि भी इस समाज की जो घुमंतू समाज है, सदियों से पीड़ित रहा है, महाराणा प्रताप का वंशज रहा है, उसकी सुध लें और इस समाज के बारे में अपनी आवाज़ उठाएं और सरकार इनको सुविधाएं दें। तो जिस तरह से आज लाली ने इतनी पढ़ाई की है, इस तरह तक और जो लड़की है उसने भी इतनी पढ़ाई की है? अभी ये लाली हमारा पहली लड़की है जिन्होंने BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्लास से पास की है। इसके अलावा हम जहाँ भी जाते हैं, हमारा एक समाज से सामाजिक संगठन है गाड़ी लोअर कल्याण संघ, उसके माध्यम से सभी हरियाणा के सभी जहाँ पे ये लोग हैं रहते हैं वहाँ जाते हैं और मोटिवेशनल कैंप लगा करके उन बच्चों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भी आप बेटा पढ़ो, और पेरेंट्स को भी ये कहते हैं कि भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, आपको सुविधाएँ सरकार द्वारा दी जाएंगी और संघ द्वारा भी आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा, और समय समय पर आप कोई सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी हमारा कोऑपरेट करती हैं, कहती हैं कि भी आप इन बच्चों को पढ़ाए, हम आपके साथ हैं। क्या सरकार का नुमाइंदा कोई आज तक आपसे मिलने के लिए आया? सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, हमने काफ़ी सम्मेलन किए समाज के द्वारा, भिवानी में भी किए 2-3 सम्मेलन हमने, 2007 में भी किए, 2015 में भी किए, और एक फतेहाबाद में विमुक्त घुमंतू जनजातियों का बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी काफ़ी थी, और खट्टर साहब ने कहा था कि भी इन जातियों के उत्थान के लिए हम अलग से बोर्ड बनाएंगे, जिसको DNT बोर्ड कहा जा रहा है। वो DNT बोर्ड भी क्या है, कुछ नहीं कर पा रहा है इस समाज के लिए। क्या कोई संस्था या गैर सरकारी संस्था या सरकारी संस्था आपकी हेल्प के लिए आ गया ही? हाँ, अभी एक संस्था हमारी लाली को सम्मानित करने के लिए आज आ रही है, जो कि रोहतक से है। 2 दिन पहले क्या नाम है संस्था का सर? जियो संस्था है, और 1-3 दिन पहले BPS स्कूल हिसार के वहाँ के वाइस चेयरमैन लाली के पास आए और समाज की दुर्दशा के बारे में उन्होंने काफ़ी विचार विमर्श किया, और उन्होंने 21,000 रुपये लाली को नगद राशि भेंट की और ये आश्वासन दिया कि भी लाली का जो खर्चा होगा पढ़ाई का लिखाई का, वो संस्था द्वारा स्कूल द्वारा इसको हम दे देंगे, ये आश्वासन हमारे को दिए। इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे जो सरकार के नुमाइंदे वो आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, और जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या आप उनके पास दोबारा जाते हो? हमारी ये कंडीशन है, हमारी जो परिस्थिति है वो इस प्रकार की ख़राब है और आप हमारे लिए कुछ कीजिए। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सभी नुमाइंदे हमारे पास आते हैं, जब वो वोट जीत करके पार्लियामेंट में पहुँच जाते हैं तब हम जाते हैं उनके पास, आवाज़ें उठाते हैं, ज्ञापन देते हैं DC के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, और MLAs को भी हमने ज्ञापन दिया है, सभी जिलों में हम जाते हैं और अपनी आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन उन सभी को के कान में जूं तक भी नहीं रेंग पाती, कुछ नहीं कर पाते, वो कोई रिप्लाई नहीं आता उन लोगों का। 2022 आ चुकी है, नरेंद्र मोदी का एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है कि 2022 में हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलेगा, इन व्यक्तियों को देख करके वो इस बारे में क्या है? सरकार मोदी जी ये कह रहे हैं कि भी जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उस तक सरकार पहुंचे,
और उसको सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए, आवास उनके लिए बनाया जाए, उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए, बच्चों को पढ़ने के लिए उनको स्कूल भेजा जाए। परंतु आज तक मैंने 25 साल हो गए इस संस्था में काम करते हुए, संघ में रहते हुए काम करते हुए, मैंने आज तक कोई मंत्री मिनिस्टर या कोई प्रधानमंत्री इस हमारे समाज के लिए उत्थान करने के लिए आगे कोई नहीं आया आज तक। यहाँ का हिसाब किताब देखते हुए जो यहाँ पे आपके जो झुग्गी झोपड़ी के पीछे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बीमारियों का खतरा भी बना रहता है, तो जो सक्षम जो कार्ड है, जो कौन सा कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, क्या वो आप लेके सभी के बन चुके हैं? अभी तक क्योंकि इन लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं है आयुष्मान के बारे में। मोस्टली इन लोगों के पास सरकार जब भी बनवाने के लिए जाते हैं ना, हो सकता है इनके पास कोई आईडी प्रूफ ना हो, उस वजह से क्या है ये आयुष्मान कार्ड इनको नहीं बन पाते, और ना ही इनको ये पता है कि भी आयुष्मान कार्ड का क्या बेनिफिट है। राशन कार्ड इनके हैं, आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड भी, अकाउंट भी उनके खुले हुए हैं, हाँ, लेकिन कोई नुमाइंदा आए तहसील से आए या एसपी डीसी ऑफिस से आए, कहे कि भी आप लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने हैं, तो ये बनवाने के लिए तैयार हैं। हमारी एक संस्था है गाड़ी लोहार कल्याण संघ के नाम से, जिसका मुख्य उद्देश्य है सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को जागरूक करना शिक्षा के प्रति, और उनमें अवेयरनेस लाने की बात है। तो जब हमारा यहाँ आवागमन हुआ तो हमें पता चला कि इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली हमारी बहन, हमारी बेटी लाली, और जिन्होंने बीएससी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है, तो हमें बहुत खुशी हुई और हमारी संस्था ने बेटी लाली को सम्मानित किया, और आप जैसे पत्रकारों ने भी फिर उस माध्यम से ये किस खबर को फैलाया, तो अनेक सामाजिक संस्थाओं ने भी सहयोग करने का आश्वासन दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। परंतु मूलभूत समस्या इस समाज की ये है कि स्थायी आवास न होने की वजह से न तो ये अपने जो कागजात हैं जिनका प्रयोग करके सरकार की जितनी सुविधाएं मिलती हैं उनका भी लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि दर बदर भटकते रहते हैं। हमारा जो पुश्तैनी काम था पहले, वो भी अब ख़त्म हो चुका है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सबसे पहली ज़रूरत तो इन लोगों को आवास देने की है, उसके बाद दूसरी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो लाभकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ उसके बाद ही मिल सकता है। क्योंकि स्थायी निवास नहीं होगा तो इनके मूलभूत जो दस्तावेज है, जैसे आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, परिवार पहचान पत्र है, या बैंक अकाउंट है, वो नहीं खुल पाता कागजात न होने की वजह से किसी भी सरकारी जो सुविधाएं सरकार मुहैया करवाती है उनका लाभ नहीं ले पाते। और जैसे ये बेटी गुड़िया है, अब चलो हमारी हमको BCA में ही जगह है, तो एक बच्चा इन झुग्गी झोपड़ियों में रह के इतनी कठिन मेहनत करके यदि वो कुछ हासिल करना चाहता है, तो बाद में देखो जो सामान्य वर्ग के या जो अच्छी सुख सुविधाओं वाला बच्चा है, तो उसका मुकाबला ये बच्चे नहीं कर सकते। इसलिए सरकार को भी इन समाज के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए, और पहली तो इनके स्थायी निवास का ही प्रबंध करना चाहिए, ताकि दूसरी मूलभूत सुविधाएं तो बाद की बात है। तो सरकार से यही निवेदन है कि सबसे पहले यदि समाज का भला करना चाहती है तो सबसे पहले इनके आवास का प्रबंध करे, स्थायी ठिकाने का प्रबंध करे, ताकि उसके बाद ये सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके।